का मॉडल नंबर के ऑयल A318, कैपेसिटी इसकी 1.8 लीटर की है और पावर 1500 वाट पे इसका कंज्यूम करता है। वोल्टेज 220 और 50 हर्ट्स। और किचॉ बहुत बड़ी कंपनी है, जल्दी ख़राब होता नहीं है। जनरली ख़राब हुआ तो क्या ख़राब होता है, स्विच या फिर कार्बन आना या कॉइल या थर्मोस्टर। थर्मोस्टेट जो उसके अंदर में अगर ख़राब हुआ तो 90% तो उसका चांस नहीं बनेगा। और उसका कुछ सेटिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे, लेकिन इस बार अभी जो हुआ था प्रॉब्लम इसके अंदर कार्बन आने की वजह से हुआ था, तो हमने इसको सॉल्व कर दिए। तो हमको डाउट था कि ये जो स्विच है ये ख़राब हुई है, तो हम डायरेक्ट करने वाले थे इसको, लेकिन डायरेक्ट होने से पहले ही इसका इंडिकेटर जल गया और हमको पता चला कि ये इसमें कार्बन आ गया था। तो ये छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं नहीं जलने के, तो इस तरह से ये हमने कैटल को बना दिए। और ये जो मैग्नेट जो दिख रहा अंदर में, अगर ये भी ख़राब हुआ तो बनने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बाज़ार में ये मिलता नहीं नया, तो ऐसी सिचुएशन में इसको चेंज ही करना पड़ता है। चालू करते हैं और सीरीज में पहले लगाते हैं। ये लगाया सीरीज में और अभी इसको एसी में लगा दिए और ये देखो लाइट जल गया। वीडियो अंदर का दिखा ना, अंदर का दिखा ना। और इसको खोल के दिखाया, देखो ये फ्लेम देख रहे हैं आप, फ्लेम ऊपर और आवाज अंदर दिख रही है दिखा ना, आपकी। अंदर ये का देखो पानी विद इन ए 10 सेकेंड के अंदर में पानी एकदम बॉयल हो गया। तो हमारा काम मतलब सक्सेस हुआ और हमारा कैटल ऑन हो गया। और ये धुआं देख रहे हैं बढ़ रहा है, और ये देखो किस तरह से उबाल आ गया पानी के अंदर। हमें बंद कर दिया। ये देखो